सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बराबर में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हुमाज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत जल्दी बनने वाली है। ये बीफ सीख कबाब बनाऊंगी मैं, तो चलें चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg बीफ का कीमा और ये बिल्कुल बारीक बीफ का कीमा है और इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड और करेंगे, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने अभी भी इसको छन्नी में रखा हुआ है ताकि इसका अच्छे से पानी स्क्वीज़ हो जाए। 1 medium size की जाएगी इसमें प्याज, हरा धनिया जाएगा 3 tablespoon, पुदीना जाएगा 3 tablespoon और 4 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है इन सब चीज़ों को। 2 tablespoon जाएगा इसमें बेसन और 1 tablespoon जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट। मसालों में इसमें जाएगा 1 tablespoon ज़ीरा, 1 tablespoon कुटी हुई लाल मिर्च, 1 tablespoon भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, 1/4 teaspoon जायफल जावित्री का पाउडर, 1/2 teaspoon काली मिर्च, 1.5 teaspoon या हसबे जाएगा आप लेना सॉल्ट और जाएगा इसमें 1 teaspoon पिसी हुई लाल मिर्च और ऑयल जाएगा इसमें फ्राइंग के लिए। बहुत ही सिंपल सा इसका प्रोसीजर है। यहाँ पे मैं चॉपर में डाल रही हूँ कीमा, आप चाहें तो बोटियाँ भी ले सकते हैं और लेकिन मैं यहाँ पे मशीन का बारीक कीमा ले रही हूँ। इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें डाल दी हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और 2 tablespoon डाला है मैंने बेसन और बाकी के जो सारे ड्राई मसाले हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। बेसन मैंने इसमें बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है, अगर आपके पास बेसन ना हो तो आप 2 double roti के पीस भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अंडा आप मत डालिएगा क्योंकि अंडा जो है वो उसके थोड़े से रनी होने का ख़तरा होता है, क्योंकि हम जो है वो इसको मसाला लगा के 1 घंटे का रेस्ट देंगे। या अगर आपको जिस दिन सीख कबाब बनाने हैं तो आप चाहें तो इसे ओवरनाइट मैरिनेट भी कर सकते हैं। इसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पेस्ट ना बन जाए हर चीज़ का, जैसे प्याज भी थोड़ी सी चॉप हुई हुई उसमें हो कंडीशन में। तो यहाँ पे मैंने जो है इसको 1 घंटे के लिए तकरीबन रख दिया था फ्रिज में और अब ये मैंने निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक सीख, अगर आपके पास सीख ना हो तो आप जो है वो 2-3 जो शाशलिक स्टिक होती हैं उनको टेप लगा के अल्मोनियम फॉइल चढ़ा के भी सीख टाइप की बना सकते हैं, या कोई अगर मोटी पेंसिल हो आपके पास तो आप उसको भी वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर सीख अवेलेबल थी तो मैंने यहाँ पर एक गोल सा कबाब बना के और उसको इस तरीके से पानी लगा के हल्का सा और इस तरीके से देखें मैं इसका गोल सा कबाब बना रही हूँ और इसको जो है वो मैं फिर सीख पर रखूँगी और इसको अंगूठे और उंगली की मदद से जो है इसको हल्के हाथ से हम प्रेस करते रहेंगे ताकि इक्वली जो है वो कीमा हमारी सीख पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर आपके पास बारबेक्यू है तो आप इसको आराम से उस पर भी बना सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बाइंडिंग वाले बनेंगे ये, लेकिन मैं यहाँ पे इसको क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखा रही हूँ तो इसलिए जो है वो मैं इसको फ्राई पैन में तकरीबन शैलो फ्राई करूँगी। यहाँ पे ले लिया है मैंने एक पैन और उसमें डाला है मैंने ऑयल और इसको बस हम करेंगे गर्म हल्का सा और उसके बाद जो है ये हम सीख कबाब जो है इसमें डाल के करेंगे शैलो फ्राई और 6 to 7 minutes लगेंगे एक सीख कबाब को बनने में। 3 minutes आप एक साइड से फ्राई करें और 3 minutes आप दूसरी साइड से फ्राई करें और ये आराम से जो है वो सीख कबाब जो है वो गल जाएंगे और तैयार हो जाएंगे और अच्छा सा इन पर आ जाएगा कलर। सीख कबाब पे अच्छा सा कलर आ गया है और ये मैं पलट रही हूँ क्योंकि एक तरफ से इसके कलर आ गया, जब ये एक तरफ से अच्छे से पक जाएँ तो फिर ही आप इसको पलटें तो इससे ये जो है वो इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको सैलड के साथ, ग्रीन रायते के साथ सर्व करें, चपाती के साथ या चाहें तो कोई चावल वगैरह बना लें आप, लेकिन जैसे अगर आप कीमा घर में बना रहे हैं तो उसकी जगह आप इसको बना लें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। घर में हमारे पास सारे ये मसाले वगैरह होते हैं तो उससे आप आराम से ये सीख कबाब बना सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। एवरी ट्यूसडे और फ्राइडे मेरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।